जी हाँ, जो होगा योगा से ही होगा, ये लाइन तो हम सब ने सुनी है। क्या आप सबको योग का इतिहास पता है? चलो आज कुछ जानते हैं योग के बारे में और क्या रहेगी अंतरराष्ट्रीय 2023 की थीम। भारत को योग गुरु कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। योग का अभ्यास मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जिसका प्रचार अब विदेशों तक हो रहा है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक किया। आज दुनिया भर में योग अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और योग की इसी उपयोगिता से सभी को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। हालांकि योग दिवस मनाने की शुरुआत किसने कब और कहां की, आइए जानते हैं योग दिवस का इतिहास। कब मनाया गया पहला योग दिवस? कोरोना काल के बाद योग का महत्व अधिक बढ़ गया। शुरुआत साल 2015 से हो गई थी। इस वर्ष ही पहली बार पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था। योग दिवस का इतिहास 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा से स्वीकार कराते हुए महज 3 माह के अंदर राष्ट्रीय योग दिवस आयोग का आयोजन कर दिया। इसके बाद अगले वर्ष 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया। 21 जून को क्यों मनाते हैं योग दिवस? भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणाएं होता है। सूर्य दक्षिणाएं का समय आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए असरदार है। इस कारण प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं।